हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव नतीजे आए हैं, चुनाव लोकल हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे तूफानी प्रचार से वोकल बनाया और फिर इतिहास भी रच दिया। इस शक्ति प्रदर्शन ने हैदराबाद में बढ़ाई बीजेपी की ताकत। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूँ तब तो हाई तोबा करते हैं पार्लियामेंट में, दिखा नहीं है आपने। भाग्यनगर वाले योगी के इस बयान ने बदल दिया बीजेपी का भाग्य। हमने हैदराबाद को अयोध्या कर दिया, हमने हैदराबाद को प्रयागराज कर दिया, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। नड्डा ने हिला दिया निजामों के शहर में सियासी समीकरण। चार मीनार की तरह बीजेपी की हैदराबाद वाली ऊंची बढ़त। हैदराबाद में पारंपरिक तरीके से जश्न मनाते ये कार्यकर्ता वैसे तो तेलंगाना में सरकार चला रही टीआरएस पार्टी के हैं। नगर निगम चुनाव की काउंटिंग में दोपहर को गिनती के दौरान टीआरएस बहुमत के पास थी तो इन्होंने जीत का जश्न मनाया। लेकिन लोकल लेवल के नतीजों में सबसे बड़ी जीत बीजेपी के कमल के लिए ही खिलकर आई है। ये आंकड़े देखिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। 2016 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और अब ये आंकड़ा 40 के पास है, यानी करीब 10 गुना की बढ़त। मैं तो इसको अनएक्सपेक्टेड नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां पर बदलाव के बयार साफ नजर आ रहे थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रचार किया है तो मुझे लगता है कि उसके कारण लोगों में एक विश्वास तैयार हुआ और देश भर में आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के प्रति एक सकारात्मकता है, जिसके कारण लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार से सदर्न इंडिया के लिए, दक्षिण भारत के लिए एक नई शुरुआत। हैदराबाद में बीजेपी ने सीधे सीधे चंद्रशेखर राव और MIM यानी ओवैसी की पार्टी में सेंध लगाकर ये बड़ी बढ़त बनाई है। बीजेपी के आला नेताओं से लेकर तेज तर्रार नेताओं ने TRS और ओवैसी पर जमकर हमले बोले थे। मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूँ, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े, एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो? एंड व्हाट डज ओवैसी मीन, हु इज ओवैसी? ओवैसी इज मोहम्मद अली जिन्ना न्यू अवतार, वी मस्ट डिफीट हिम। इसी रणनीति का ये नतीजा है कि TRS और MIM पार्टी बीजेपी के बढ़ते जनाधार से हैरान है और सफाई दे रही है। एक इलेक्शन के टाइम पे नेता इतने आते जाते हैं तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि बाकी टाइम पे रहते कहाँ हैं। और दिल्ली में जिस तरीके का फार्मर्स का आंदोलन चल रहा था वो छोड़ के होम मंत्री भी हैदराबाद पधारते हैं तो लोगों को तो यही लगता है कि जहाँ समस्या है वहाँ बीजेपी नहीं जाती है, जहाँ समस्या नहीं है वहाँ समस्या कड़े करने के लिए बीजेपी जाती है। तेलंगाना पीसफुल है, तेलंगाना अच्छा है, हैदराबाद में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वो यहाँ आके समस्या कड़े करने की कोशिश कर रहे पर समस्या का समाधान नहीं दे रहे। TRS और MIM दल कुछ भी कहें, एक बात साफ है, दक्षिण में कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी बीजेपी के लिए चुनावी रास्ता खुल रहा है। हैदराबाद में लोकसभा की 5 सीटें हैं जिन पर अब बीजेपी का असर पहले से ज्यादा होगा। आंकड़े घटने से TRS और MIM को खुलकर एक दूसरे का साथ देना पड़ सकता है, इसे भी बीजेपी की रणनीति की जीत ही कहेंगे। लोकल चुनाव में वोकल होकर बीजेपी ने जादू करके दिखाया है। ABP News आपको रखे आगे।